अस्सलाम वालेकुम असल मेरा नाम है सुनील मंच और पाकविल एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज के एक और अपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज की जो प्रोडक्ट है मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग है बिकॉज हमारे यहाँ पे हम देखते रहते हैं कि जो है ना पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे से हम लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान में नए किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं आती हम बचपन से लेकर अब तक जब देखते हैं तो हमारे पास एक ही किस्म के मोटरसाइकिल होते हैं और खास तौर पर जो आजकल पेट्रोल की प्राइस हो गई हैं और दुनिया में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ रही है और हमारे मुल्क में जो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन है वो अनफॉर्चुनेटली जो है फोर व्हीलर और एस यू वी के कंधों पर डाल के बोझ डाला गया कि जी वो शायद ही रेवोल्यूशन लेके आएंगे बट आई ऑलवेज़ से कि अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आनी है इट हैज़ टू कम थ्रू टू व्हीलर और थ्री व्हीलर तो आज की जो प्रोडक्ट है ये एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है पाकिस्तानी स्टार्टअप है जो कि 2023 में स्टार्ट हुआ ईवी के नाम से और इनकी दो प्रोडक्ट मार्केट में आई है सी वन और सी वन प्रो सो ये सी वन प्रो है जी जो आज मेरे पास मौजूद है ये इसका टॉप वेरिएंट है सी वन जो है बिल्कुल सेम ही है थोड़ा बहुत स्पेक्स का फर्क है तो मैं आपको बताता रहूँगा पूरे रिव्यू के दौरान कि क्या क्या फ़र्क है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे अब रिव्यू को स्टार्ट करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है इसको कंपनी क्लेम करती है कि जी स्कूटर है और वो बड़ा टच है इस बारे में कि इसको स्कूटी नहीं कहना मेरी रिसर्च के मुताबिक वैसे स्कूटर और स्कूटी में थोड़ा सा फर्क है या तो साइज़ का फर्क है या जनरली गेस का फ़र्क होता है और ये क्योंकि ऑटोमेटिक है तो मेरे लिहाज से ये स्कूटी में फॉल करता है बट ई कहती है कि ये स्कूटर है तो हम इसको स्कूटर कह लेते हैं रिव्यू के लिए ताकि उनकी भी खफगी ना हो और आप लोग भी रिव्यू देखते रहें सो so, सबसे पहले अगर हम इसकी लुक्स के बारे में बात करें तो बहुत फ्यूचरिस्टिक है एज एन मैं एक तो सबसे पहली चीज़ ये क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो खुद इन इन असेंस ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ है लेकिन अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई मैं आपको दिखाता हूँ तौर पे जब आप इसको ऑन करते हैं तो जिसके डी आर हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं ये आपको टेस्ला का साइबर ट्रक या रोबोकोप का जो हेलमेट होता है उसकी याद दिलाएंगे और बहुत ही खूबसूरत है खास तौर पे जब आप इसके इंडिकेटर भी ऑन करते हैं सो वो तो कमाल ही हो जाता है मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इसके अगले पिछले इंडिकेटर्स इसकी फ्रंट लुक साइड लुक बैक लुक सब कुछ लेकिन हम फ्रंट से शुरू करते हैं तो फ्रंट के ऊपर ये आपको डी मिल जाएंगे ये हेडलाइट है और इसकी जो लाइट है इसके तीन पॉइंट्स हैं बेसिकली आप इसको लो भी कर सकते हैं और उसको तेज़ भी कर सकते हैं मैंने इसको स्कूटर को तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है इफ़ नॉट रॉन्ग 400 से तकरीबन 500 किलोमीटर के करीब चलाया है डे टाइम में नाइट टाइम में एंड इसकी विजिबिलिटी का आम सड़कों पे तो कोई इशू नहीं अगर बहुत ही को अंधेरे वाली रोड हो तो येस इसको थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है बट नन अगर बाकी जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है उनसे कंपेयर किया जाए तो बेहतरीन है साइड प्रोफाइल में अगर आ जाएँ तो अगेन आपको साइड पे ये बड़ा खूबसूरत एक इसके अंदर ये नज़र आएगा सिल्वर का कम्बीशन जो कि साइड पे भी है और ये आपके फोट्रेस ने बेसिकली तंसील किस्म के आप इसको दबाएंगे तो ये बाहर आ जाएँ तो so आपका दोस्त वगैरह बैठने के लिए अगर किसी ने बैठना है या पिलियन राइडर पीछे बैठ रहा है तो उसके बैठने के लिए और ये पैर रखने के लिए बड़ी बेहतरीन जगह एंड इसका जो कलर कम्बीशन है ये भी उन्होंने बड़ा अच्छा दिया पे है साइड पर स्टिकर्स जो हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं बैजिंग है कंपनी की एंड अगर आप रेयर पे आ जाएं तो रेयर एंड पे भी अगेन जिस जिसना आगे की लाइट्स हैं बड़ी खूबसूरत पिछली लाइट भी बहुत खूबसूरत है सो so, अगर साइड पे देखेंगे तो आपको ये जो पीछे आपको बार नजर आ रही है ये और ये साइड पे जो बार है इसको सिल्वर में रखा गया है इसका स्टिकरिंग और ये जो आपके पास फुट स्टेप थे ये सिल्वर में अगर कलर कम्बिशन व्हाइट है स्कूटर का तब भी आपको ये जो है सिल्वर में मिलेगा ग्रे के साथ भी सिल्वर में मिलेगा और मेरी इन्फॉमेशन के मुताबिक ये ग्रे कलर जो ये सिग्नेचर है सी वन प्रो का खैर आप इसके ऊपर ये पीछे आपको जो है आपकी जो बैक रेस्ट भी मिल जाता है और पिछली जो इंडिकेटर और पिछली लाइट है वो भी अगली लाइट की तरह बहुत खूबसूरत है साइडों पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे पीछे भी रिफ्लेक्टर मिल जाएगा तो ओवरऑल अगर लुक्स की बात करूँ तो, तो, तो ये बहुत ही खूबसूरत मशीन है मतलब मैंने मार्केट में बहुत से स्कूटर्स देखे हैं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं बिकॉज मेरा ख्याल है तकरीबन पाकिस्तान में अभी इक्कीस कंपनी है जिन्होंने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का लाइसेंस ले लिया है और उनमें से चार पाँच छः जो है अभी ऑलरेडी मार्केट में ऑपरेट भी कर रहे हैं जब आप सड़क पर जाते हैं तो डिफरेंट किस्म के स्कूटर्स स्लैश स्कूटी नज़र आते हैं एंड मेरे ख्याल से बायफायर अगर लुक्स में देखा जाए तो इससे खूबसूरत मशीन अभी तक मुझे नज़र नहीं आई बाकी अगर प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिकलिटी की बात करें या इसकी ऑप्शन की बात करें तो एक तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें दी गई है वो इसमें बहुत ज़्यादा बूट स्पेस है ट्वेंटी टू लीटर्स का इसका बूट है और आप इसको ओपन करके इसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हैं जैसे मैंने इसमें हेलमेट रखा हुआ है मास्क रखा हुआ है और इसके साथ इसका एक टूल बॉक्स भी आया था जिसके अंदर इसके नेसेसरी टूल्स हैं वो भी इसी के अंदर मौजूद है यहीं पे एक आपको स्टार्ट स्टॉप स्विच नज़र आएगा अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम कराना है या इसका कोई भी काम कराना है तो ये इसका मास्टर स्विच है जिससे आप इसको ऑफ कर सकते हैं तो ये भी एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है इसके लिए खैर स्टोरेज के अलावा सीट की कुशनिंग जो है मुझे ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाने की आदत नहीं है तो मुझे शुरू शुरू में थोड़ा लगा कि बड़ी स्टिफ है कुशन हालांकि बड़ा अच्छा है बट uh, जो बैक मसल है उसकी जो मेमोरी बिल्ड करने मुझे थोड़ा टाइम लगा बट नाउ आफ्टर ड्राइविंग इट फॉर फोर फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स मुझे लगता है कि कम्फर्टेबल है ओवरऑल अगर इसके अलावा अगर आप स्टेरिंग व्हील के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें नज़र आएंगी जो कि अगेन एक ड्राइवर के लिए जो है ना फैसिलिटेट करें यहाँ पर आपको यू एस बी चार्जर मिल जाएगा तो अगर आप अपना फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं आप यहाँ पर केबल लगा के फ़ोन को यहाँ पे रख भी सकते हैं दूसरी साइड पे भी आपको होल्डर मिलेगा यहाँ पे अगर आपको कोई सामान वगैरह लटकाना है वो भी मिल सकता है यहाँ पे इसकी जो बैटरीज हैं इसके ऊपर एक कवर था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था मैंने उतार दिया बट वो बैटरी को प्रोटेक्ट करता है सो so, अगर हम राइडर के लिहाज से देखें तो जो इसका बार है इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लस्टर आ गया इन्फॉर्मेशन क्लस्टर में आपको एक तो ये बता रहा है कि इसकी बैटरी की चार्जिंग स्टेट क्या है टोटल कितने किलोमीटर्स रही है अभी अभी आप पार्किंग में हैं कौन से गेयर में जाना चाह रहे हैं ये बैटरी है अच्छा इसको काफ़ी लोग जो है मिसअरसूट करते हैं कि शायद रेड हो गई इसकी तीन बार चौथा बार रेड है तो ये आहिस्ते आहिस्ते जब कंज्यूम होती रहती है तो एक बार गिरेगा फिर दूसरा फिर तीसरा एंड पे रेड पर आएगा जब रेड खत्म हो जाता तो फिर जिसमें आपको पेट्रोल के गाड़ी के अंदर या बाइक के अंदर आपको एक इंडिकेशन आती है। में आती है में हर हाल नहीं गाड़ियों में आती है तो इसमें ये भी चीज़ है। ये आपको एक इंडिकेशन देना शुरू कर देगा और इंडिकेशन के बाद भी मैंने तकरीबन चार किलोमीटर चलाई है सो सेफ डिस्टेंस आपको पता होता है कि क्या है ये इस साइड पे अगर आप आ जाए तो आपको यहाँ पे राइट साइड पे आपको ये इसके लाइट के कंट्रोल मिलेंगे बंद है मीडियम है तेज है यहाँ पे आपको मोड सिलेक्टर मिलेगा इसके अंदर तीन मोड हैं वन टू थ्री तो गेयर होते नहीं है बेसिकली लेकिन इसमें मोड्स हैं तीन मोड्स हैं सो मोड वन पे ये मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाता है मोड टू पे ये जाता है थर्टी फाइव की स्पीड पे और मोड थ्री पे जाता है फिफ्टी की स्पीड पे अब कंपनी का क्लेम ये है अगेन कई लोग पूछेंगे कि सी वन सी वन प्रो में फर्क है तो C1 और C1 Pro जो बेसिकली हैं वो दोनों देखने में 100% परसेंट सेम है दोनों के अंदर सेम जो है साइज लगी हुई है सब कुछ सेम है सिर्फ जो बैटरी पैक है उसका फर्क है एक के अंदर तेईस है और एक के अंदर बीस है और ओवरऑल जो क्लेम माइलेज है कंपनी की वो कहते हैं जी C1 Pro जो है वो सेवेंटी टू तो एटी किलोमीटर करती है जबकि जो C1 है वो सिक्सटी टू सेवेंटी तो दस तो किलोमीटर का फर्क है इस माइलेज के क्लेम के अगेंस्ट मैंने इसको चेक भी किया अगेन जो भी माइलेज क्लेम हो या किलोमीटर पर लीटर का जब कोई कंपनी क्लेम करती है तो वो आइडियल टेम्परेचर आइडियल वेट और एक नॉर्मल स्पीड के साथ करती है तो इनका कहना ये है कि जी विद इस वेट ऑफ 100 और 150 फिफ्टी के जी के दरमियान होता है 150 फिफ्टी का खैर बहुत ज़्यादा है सो आई हैव ट्राइड इट विद वेट ऑफ 75 फाइव और इसको अगर आप सेकंड गियर पे चलाते हैं जो उसका मीडियम गियर है यानी मोड है गियर तो कहना गलत होगा तो मीडियम मोड पे ये मुझे तकरीबन मैंने इसको 70 किलोमीटर चलाया जिसमें आप फेल भी था ब्रिज के ऊपर जाना ब्रिज से उतरना और सिटी के अंदर ड्राइविंग थी तो सेवनटी किलोमीटर ये दे देते आराम से और इसके जो चार्जिंग टाइम है वो भी दोनों मशीनस का डिफरेंस है सी वन जो है वो एक घंटा जल्दी चार्ज होती है सी जो है वो एक घंटा लेट होती है ये सात घंटे में चार्ज हो जाती है वो आठ से साढ़े आठ घंटे में चार्ज होती है और सेव सत्तर किलोमीटर की आपको रेंज देती है खैर ये मैं इधर से मोड के अंदर जो है जाके ना थोड़ा कैरिड अवे हो गया सो मैं आपको ये भी इसका वॉक अराउंड दे रहा था बाकी आपको प्रैक्टिकल इसके बारे में बताऊंगा कि मुझे क्या लगा क्या नहीं सो so, इस साइड पे हैंडल बार के मैंने आपको बता दी कि ये चीज़ें मौजूद हैं लेफ्ट साइड पर अगर आप आ जाएंगे तो आपका इंडिकेटर स्विच है साथ ही आपका अगर आपको डिपर मारना है किसी को जो हमारे मुल्क का बड़ा जो है फेवरेट मशगला है कि लोगों को लाइटें मारते हैं वो है हॉर्न है हॉर्न भी काफ़ी तेज़ है और यहाँ पे आपके जो है दो बटन है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है एक तो ये हमारे यहाँ पे जो लोग रेस जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो रेस के लिए नहीं होता वो हैलमेट बटन है और उसके साथ एक आर बटन है ये मैंने डिस्कवरी थोड़ी लेट किया है ना वो सरप्राइज कि इसके अंदर रिवर्स का बटन भी मौजूद है अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए कि आपको बाइक को रिवर्स करना है तो आप उसका आर बटन दबा के उसको रिवर्स कर सकते हैं दूसरी चीज जो मुझे बड़ा अच्छा प्लेनेट सरप्राइज था पाकिस्तान के अंदर टू व्हीलर्स के अंदर शीशा लगाना जो है ना बेहरमती समझा जाता है जब ये मशीन डिलीवर हुई थी तो इसके अंदर ये पैक मौजूद थे सात किट मौजूद थी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड आई होप एवरीबडी एन एनी बडी हु बाइज दिस और एनी अदर टू व्हीलर वोजन है शीशे का इस्तेमाल करें बिकॉज मुझे तो इसके बगैर नज़र नहीं आता तो ये थी इसकी अगर हम एक वॉक अराउंड की बात करें अगर प्रैक्टिकल ड्राइव की बात करें मैंने इसको तकरीबन मैंने आपको बताया चार सौ पाँच सौ किलोमीटर के करीब चला लिए एक महीने के करीब हो चुका मैं इसको चला रहा हूँ आई हैव फाउंड दिस मशीन टू बी एब्सोलूटली जैसे कहते हैं ना एक ट्रीट है चलाने के लिए बहुत इजी टू हैंडल है बहुत लाइट वेट है बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप आम गाड़ी नहीं घुसा सकते आम बाइक नहीं घुसा सकते अपनी साइज़ की वजह से घुस भी जाती है और इसकी जो है ना पावर वो भी इतनी अच्छी है कि बड़े आराम से वहाँ से निकल भी आती है तो बड़ी प्रैक्टिकल है और ख़ास तौर तो पे आजकल के ज़माने में जब फ्यूल की प्राइसेस इतनी स्काई रॉकेट कर रही हैं इसका जो चार्ज है उसकी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि क्या है और कितना ये पर किलोमीटर कॉस्ट करती है यस थोड़े से वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्पीड फ्रीक हैं जिनको धूमटू में आना होता है उनके लिए ये मशीन नहीं है क्योंकि इसकी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी जो एक्सेलरेशन है शुरू में बहुत ज़्यादा है लेकिन जो टॉप स्पीड मैंने आप बताया तो कि वन टू थ्री जो मोड है उन पर लिमिटेड है पच्चीस पैंतीस और पचास के ऊपर तो और पचास की स्पीड मेरे ख्याल से विद इन सिटी के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी प्रैक्टिकल स्पीड है खासतौर तौर तो पर आजकल बिकॉज मैं इसको बड़ा अरसे से चला रहा हूँ तो मुझे तो कभी फील नहीं हुआ लेकिन ये अगर आपके पीछे कोई बैठा हुआ है और उसका वेट बहुत ज़्यादा है जैसे मेरे साथ ये मेरे दोस्त इमरान साहब बहुत अक्सर बैठते हैं तो जब वो हिल रहे होते हैं तो फिर उसको ज़रा बैलेंस करना है एक इशू है वरना अदरवाइज मशीन इन इट सेल्फ हैज़ नो इशू इन बैलेंसिंग अब आते हैं इसके जो सस्पेंशन के ऊपर सस्पेंशन जो है वो स्मूथ है सॉफ्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफ के लिए नहीं बनी बिकॉज मैंने देखा कि हमारे यहाँ मोटरसाइकिल वाले अक्सर फुटपाथ आपके पत्थरों के ऊपर से गुजरते हुए और कच्चे से जा रहे होते हैं तो उसके लिए नहीं बनी बट अगर आप रोड पर चलाएंगे तो इट्स वेरी स्मूथ खास तौर पे इसका फ्रेम उन्होंने ऐसा बनाया मुझे ऐसा लगता है कि उसमें लचक है खास तौर पे अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और कहीं उस पर बम्प्स वगैरह आ रहे हैं तो इसका जो आपको एक फील मिलती है वो बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ़्ट है इसमें इसकी सस्पेंशन और इसके जो फ्रेम है दोनों का बहुत बड़ा हाथ है मेरे ख्याल से और वो एक अच्छी चीज़ है एक चीज़ जो नेगेटिव है मुझे ये लगता है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना अगर आप यहाँ से देखें तो ये थोड़ी नीचे है यहाँ पे इसकी बैटरीज भी हैं और कोई बहुत बड़ा अगर स्पीड ब्रेकर बना और इस पर दो लोग बैठे हों तो लाजम है कि आपको ये नीचे से लगेगी भी आपको एक बंदे को उतार के गुजारना पड़ेगी यहाँ थोड़ा टेढ़ा करके गुजारना पड़ेगा वो यहाँ पे हमारे मुल्क में सबर किसी में नहीं है तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज़ एन इशू एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है कि विद टाइम इम्प्रूव हो सकती है और हमने उनको इम्प्रूवमेंट का कहा भी है इसकी जो स्पीड है डिजिटल मीटर है और इसकी जो डिजिटल मीटर की एक्यूरेसी है मुझे उससे थोड़ा सा इतराज़ है मुझे कई दफ़ा मैंने इसको जीपीएस के साथ चेक किया तो अगेन ये जो अपने मोड्स हैं उनमें 25, 35 और 50 जो है वो आपको बता रही होगी आप हो सकता है 50 से थोड़ा ऊपर भी चले जाए अगर आप डाउन हिलेंगे तब भी फिफ्टी बताएगी हो तब आप थोड़ा सा फिफ्टी से नीचे होंगे तब भी मोड थ्री में फिफ्टी बताएगी तो ये थोड़ा सा मुझे इसमें महसूस हुआ कि थोड़ा सा एरर है जो कि हमने उनको बता दिया है और उन्होंने कहा कि जी हम इसको नई एट्रेशन में इम्प्रूव करेंगे एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है कि रेंज एग्जाइटी के अलावा जो चार्जिंग टाइम है ना वो भी थोड़ा ज़्यादा है सात से आठ घंटे फॉर सम अगर वो कोई बहुत दूर से आ रहा है सत्तर किलोमीटर वैसे तो काफ़ी एक रेंज है एक मशीन के लिए लेकिन अगर आपको कभी दोबारा चार्ज करना पड़ जाए और आपने चार्जर इसके ट्रंक में भी रखा हुआ है अगर जो ट्रंक कह लें बूट कह लें स्टोरेज कह लें तो अगर आप एक घंटा भी चार्ज करते हैं तो हार्डली आपको तकरीबन तो दस से बारह किलोमीटर की भी शायद रेंज मिले क्योंकि एक घंटे में इतना ये चार्ज कर नहीं सकता सात घंटे इसकी जो चार्जिंग टाइम है तो किसी बंदे के लिए जिसका कि म्यूट इतना ज़्यादा है और दिन में सौ किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है या सत्तर से ज़्यादा कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है पर्सन लाइक मी मैं इसको यूज़ करता हूँ पूरा दिन रात को आके ओवर चार्जिंग पर लगा लेता हूँ जब पीक आवर्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद तो ये चार्जिंग भी मुझे सस्ती पड़ती है और सुबह जब मैं निकल रहा होता हूँ तो ये दोबारा मुझे चार्ज मिलती है अब आ जाते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर काफ़ी क्योंकि इलेक्ट्रिक का जो हम शुरू से बात कर रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि भाई इसमें कॉस्ट की बचत बहुत है कॉस्ट की बचत बहुत है तो क्या बचत है वो देख लेते हैं अब अगेन लोग आपको जो कंपैरिजन बताएंगे वो शायद आ, थोड़ा टिंटेड होगा थोड़ा इस लिहाज से होता है कि लोग अपने लिहाज से बताते हैं तो अगर खाली आपने कंपैरिजन करना हो, तो आप कहेंगे जी पर किलोमीटर पेट्रोल वाली जो है मोटरसाइकिल वो क्या करती है और ये क्या करती है बट वो गलत होगा वो क्यों होगा वो भी आपको बताता हूँ सो तो अगर आप एक नॉर्मल सेवनटी सीरीज़ बाइक लेते हैं जो कि सत्तर क्लेम करते हैं बट वो पचास की एवरेज देती है तीन सौ का अगर पेट्रोल लगाएँ तो छः रुपये किलोमीटर कॉस्ट करती है ये ऑन द अदर एंड सत्तर किलोमीटर चलती है तीन यूनिट बिजली के लेती है और एक यूनिट जो बिजली का है वो तकरीबन आजकल वो पचास कहते हैं वो भी सत्तर की कॉस्ट करता है सो so, ये आपको जो कॉस्ट करेगी पर किलोमीटर समझ लें तीन रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट करेगी सो so, विद क कैवियट ये है कि अगर मैं वैसे कंपेरिजन करूँगा उनको थ्री वर्सेस सिक्स जो बड़ा कोई नो ब्रेनर है हर बंदा क्या कि जी हाफ कॉस्ट है लेकिन नहीं इसकी जो बैटरी है उसकी जो लाइफ है वो फाइव फिफ्टी साइकिल चार्जिंग साइकिल है इसका मतलब ये कि पाँच के बाद चार्जिंग के बाद आप इसको चेंज करना पड़ेगा अगर मैं कहूं कि ये एवरेज हाउस होल्ड वाला बंदा 35 किलोमीटर दिन के चलाता है इसका मतलब है दो दिन बाद वो इसको चार्ज करेगा दो दिन बाद चार्ज करने का मतलब है कि साल में तीन सौ पैंसठ दिन है तो डेढ़ सौ दो से ढाई साल या अगर बहुत तेज़ चलाने वाला है या बहुत ज़्यादा चलाने वाला है तो उसके लिए डेढ़ से दो साल के बाद आपको ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी पड़नी है और वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो आप तकरीबन लगाएँ पैंतीस हज़ार आज के दौर में है उसको रिप्लेस करके अपनी पुरानी बैटरी दे देंगे पच्चीस बाईस हज़ार जो भी हम पैंतीस हज़ार को ले लेते हैं और पैंतीस हज़ार को हम डिवाइड करें अगर हम पाँच सौ साइकिल को सेवेंटी पे करते हैं तो थर्टी फाइव वो बनता है एक रुपये वो भी एड आप कर लें तो चार रुपये वर्सेज छः रुपये बन जाता है तो फिर भी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है और ये एक साल है एक साल के बाद जब आप इसकी बैटरी चेंज करा लेंगे जो मोटरसाइकिल का फ्यूल है वो आपको फिर उसी तरह महंगा पड़ेगा तो कॉस्ट प्रोपोजीशन में येस इट डज सेव यू अलाट बट अभी जो थोड़ा लोग उन लोगों लो को अप्रीहेंशन है मुझे भी होता है कि एक तो जो है ना रेंज एग्जाइटी वाला इशू फिर दूसरा चार्जिंग टाइम अगर किसी ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है या मल्टीपल यूज़र्स हैं तो उसको बार बार करने के लिए जब तक ये चार्जिंग टाइम रिड्यूस नहीं होगा तब तक मेरा ख्याल है ये थोड़ा बहुत मैसेज में नहीं जाएगा बट वी होप के जो कंपनी है वो लोगों की और हमारे इस फीडबैक को लेकर इसको मज़ीद इम्प्रूव करे अब आ जाते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर प्राइसिंग जो है वो उन लोगों ने एक मेरे ख्याल से एक मैजिकल नंबर है और उसकी मेन वजह ये कि इन्होंने इसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ नहीं की इसमें इन्होंने एक लेड एसिड बैटरी की फॉर्म है ग्रिफाइन एसिड वो यूज़ की है विच इज़ इन्फीरियर टू लिथियम आयन बट येट बेटर देन जो आपके लेड एसिड बैटरी है उससे थोड़ी बेहतर है और उसी की वजह से जो इसका प्राइस पॉइंट है वो बहुत एक किसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल प्राइस पॉइंट है बिकॉज ऑब्वियसली एवरी थिंग कम विद अ कॉस्ट अगर आप इसको लिथियम आयन डाल देंगे तो ये महंगी हो जाएगी अगर आप इसमें बैटरी बैक बड़ा कर देंगे और महंगी हो जाएगी एंड आई होप एंड आई प्रे कि ये बाद में कस्टमाइजेशन ऑफर दें लेकिन अभी ऐसी कोई ऑफर नहीं है अभी दो ही ऑफर दी जा रही है सीवन और सीवन प्रो सो जो सीवन है उसकी प्राइस है जी दो लाख रुपए और ये सी वन जो है इसकी प्राइस है दो लाख पच्चीस हज़ार एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इस कंपनी के बारे में कि देअर फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस के वो आपको किसी जगह जाके शोरूम पे ख्वार नहीं होना पड़ेगा आप ऑनलाइन डिलीवर करा सकते हैं आपके घर डिलीवरी होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का फ्यूचर जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो उसके पार्ट्स हैं बिकॉज ये ऐसे मोटरसाइकिल नहीं है या ऐसा स्कूटर नहीं है जिसके पार्ट्स आपको ऑफ द रैक मिल जाएंगे अगर आप मार्केट में जाएँ कोई भी नॉर्मल सेवन सी सी बाइक ले लें या वन टू फाइव ले लें तमाम के जो पार्ट्स हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं आपने टेंकी टापे चेंस प्रॉकेट कोई भी चीज़ लेनी है आपको आफ्टर मार्केट मिल जाता है इस केस में ना तो कोई इंजन है सिर्फ मोटर है मोटर के अलावा अगर आप कहते हैं जी मैं तो ये कहता हूँ ये प्रोडक्ट है इंडिकेटर है ये बार है कोई चीज़ टूट जाती है सड़क पे चीज़ चलती है और पाकिस्तान में तो ड्राइविंग लोगों की हैबिट्स ऐसी हैं कि एक्सीडेंट होना एक नॉर्मल चीज़ है तो इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है पार्ट्स की प्राइस कैसी है ये चीज़ लॉन्ग टर्म में इस प्रोडक्ट के फेट को डिसाइड करेगी ड्राइव की बात हो रही थी मैंने आपको बता दिया है कम्फर्ट हैंडलिंग दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं तीसरी चीज लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है सेफ्टी वाइज व होती है ब्रेक्स इसकी ब्रेक्स बहुत ही बेहतरीन है इनफैक्ट क्योंकि एक ऑटोमेटिक मशीन है इसमें कोई क्लाश नहीं है तो इसके दोनों लेवर जो है वो ब्रेक के लिए काम करते हैं आगे डिस्क है पीछे ड्रम है और अगेन अगर जो इसको एक चीज मतलब मुझे इसमें जो कमी महसूस होती है बट अगेन तारों से आगे जहाँ और भी हैं कि इसमें आप कहें कि जी रिकर्सिव ब्रेकिंग आज रिकर्सिव कह रहा हूँ रीजनरेटिव ब्रेकिंग So, एक एम ये शायद लॉन्ग टर्म या कि वो ब्रेकिंग आ जाए तो ऑटोमेटिकली ब्रेक भी कर ले लेकिन अभी जो इसकी दोनों ब्रेक्स हैं दे आर मोर देन इनाफ बिकॉज मुझे तो तौर पे कभी अगली ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है मैं यूजली इसको सेकंड मोड में यूज़ करता हूँ तो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर इसको जीरो पे लाना है तो दिस ड्रम ब्रेक इज इवन इनअफ बट दोनों ब्रेक जो हैं वो अगर आप मिलकर भी यूज करते हैं अगर आप इसको मोड थ्री में चला रहे हैं तो मेरे ख्याल से ब्रेक्स में आई एम टोटली सैट्सफाइड विद ब्रेक्स अच्छा एक और चीज़ इसकी मुझे बड़ी इंप्रेसिव लगी अगर आप इसकी की देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि किसी गाड़ी की की है तो इसमें एक सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम भी है बिकॉज इस एन ओपन डिवाइस आई टी गए पाकिस्तान में आपको पता है लोग जाते चीजों से पंगे भी लेते हैं तो इसके अंदर एक सिक्योरिटी अलार्म भी है ये आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं और अगर कोई इसे छेड़ा होगा तो ये बीप करना शुरू कर देगी सिमिलरली अगर आपने इसकी जो की भी को देखा तो की जो इसकी की है ये भी बड़ी डायमंड कट स्टाइल की की है और मुझे एकदम याद आ गया ए सीरीज में मैंने पहली बार ये की देखी थी अगर ये गुम गई तो ये बनवाना इजी नहीं होगी तो इसलिए दो रिमोट और दो अबियाँ जो इसके साथ दी जाती हैं और इसका जो ट्रंक ओपनिंग है वो आप इसको अभी देखें मैंने इसको लॉक किया हुआ था और इसे किसी ने पंगा ली थी बोली ट्रंक ओपनिंग के लिए आप इसको लेफ्ट साइड पर घुमाएंगे और ये ट्रंक ओपन हो जाएगा एक और आइडिया ऑफ इंप्रूवमेंट बिकॉज मैंने इसको रात के टाइम भी बहुत चलाया तो जिसके बटन है ना रात को ये लिटली ब्राइंड इसमें कोई लाइट नहीं है तो आपको बाइक चलाते हुए अपना ध्यान या तो उठाना पड़ता है नीचे देखने के लिए या आप जबानी याद रखें अगर इसके अंदर एक लाइट हो जाए इलिमिनेटेड और रात के टाइम तो वो भी एक मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी और उम्मीद करता है कि आने वाले जो वेरिएंट्स होंगे उनमें ये इंप्रूवमेंट आ जाएगी ये था आज का रिव्यू हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों को इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताएं एंड आई विश दैम गुड लक और उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाली लेशन में इसका जो चार्जिंग टाइम है उसको कम करेंगे इसकी रेंज को बढ़ाएंगे येट कीपिंग द प्राइस जो है वो एक ऐसी प्राइस ब्रैकेट रखेंगे लोगों के लिए अफोर्डेबल हो ये आज का रिव्यू आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने के लोगों का ख्याल रखिएगा शुक्रिया